નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચાર મિત્ર નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. જૂનાગઢ પોલીસની મોટી સફળતા, એટીએમ કાર્ડના ચાર આરોપીને પકડી પાડ્યા તો કોર્ટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. જૂનાગઢના જિલ્લામાં વંથલી ખાતેલા શશિકાંતભાઈ વલ્લભભાઈ અંકોલા તથા ભરવાડ અજયભાઈ મનસુખભાઈ રહેલ હતા. કેસુરવાળાઓએ એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા ગયા ત્યારે ચાર અજાણ્યા શખ્સોએ પૈસા ઉપાડી આપવાનું કહ્યું હતું. એટીએમ હાથમાં લઈ પાસવર્ડ મેળવી કોઈ પણ રીતે એટીએમ ડેટા મેળવી બંને અરજદારોને એકાઉન્ટમાંથી અનુક્રમે રૂપિયા 23,500 તથા 59,500 કોઈ પણ ઓટીપી વગર ખાતામાંથી ઉપાડી લીધેલ, જે અંગે વંથલી પોલીસ સ્ટેશન તથા કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન ફ્રોડના ગુનાઓ નોંધાયેલ હતો, જે આધારે ટેકનિકલ સેલ મારફતે તેમજ ફિઝિકલ રીતે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવેલી હતી. ઉપરોક્ત બનેલ બનાવ અનુસંધાને તપાસ કરતા હકીકત મળેલ. મહારાષ્ટ્ર પાર્સલની ટેક્સી ગાડીમાં મૂકી સમકે જેઓ કેશોદ તથા વંથલી તરફ બંને એટીએમ ક્લોનના બનાવમાં સંડરાયેલા હોય તેમજ તેઓએ અન્ય ગુનો કરેલ હોય જેવી હકીકત મળતા હાલ સોમનાથથી વંથલી તરફ આવે ત્યારે પોલીસ અલગ અલગ ટીમો બનાવી અગતરાએ 3 રસ્તા પાસેથી આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓની મળતી વિગત આધારે મૂળ યુપીના વેસ્ટ મુંબઈ ખાતે રહેતા વિનય બંગાળી ગુપ્તા, વિનોદ મુત્રાલાલ વર્મા, સુનિલ રામબર્ણા વર્મા તેમજ રાધવેન્દ્ર ઉર્ફ ભોલો રામકિશોર યાદવને પકડી પાડી પૂછપરછ કરતા કેશોદમાંથી એટીએમ મારફત પૈસાની છેતરપિંડીના કારણે ગુનો પણ કબૂલાત કર્યો હતો. કેશોદ પોલીસ સ્ટેશને તે સોંપી દેવામાં આવ્યા હતા. આમના અન્ય અમિત વિજયનાથ પાંડે પણ ફરાર થયો હતો. પકડાયેલા ચાર શખ્સોને કોર્ટ 2 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે. આગળની તપાસ કેસર પીએસઆઈ એમજી બાલ્સ ચલાવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર પાસે એક ગાડી પાસે કબજે કી ગઈ હૈ.
और ये आरोपी जो है पहले भी पकड़े गए, उसमें से आरोपी सुनील जो है पहले मतलब यहाँ कौशंबी पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है और भरूच में पकड़ा गया है। आरोपी राघवेंद्र जो है वो भी पहले लालगंज पुलिस स्टेशन में पकड़ा है क्लोनिंग के गुनाह में, और आरोपी विनोद जेठवाला है वो भी पहले उत्तर प्रदेश में मारामारी और ATM के फ्रॉड में पकड़ा गया है। इन लोगों ने गुजरात में जूनागढ़ में बदली किशोर के अलावा सुरेंद्रनगर जिला में हाईवे के ऊपर एक ATM क्लोन करके ऐसे ही पहले गुना किया है। भावनगर जिले में अलग अलग 5 ATM क्लोन करके उन्होंने पैसे निकाले हैं। बोटाद में उन्होंने एक जगह पे ऐसे क्राइम किया है। अमरेली में 8 अलग अलग ATM क्लोन करके उन्होंने पैसा निकाला है। राजकोट जिला में भी उन्होंने एक ATM क्लोन करके पैसा निकाला है। जामनगर में 4 जगह ऐसा उन्होंने आगे क्राइम किया है। सूरत में 1 जगह किया है। उसके अलावा दाहोद, वडोदरा, भरूच, वलसाड़, दमन, सेलवास, वापी, सूरत, बारडोली, अहमदाबाद और भुज में भी उन्होंने लास्ट 1 साल में 1 वर्ष में अलग अलग ATM कार्ड क्लोन करके क्राइम किया है। और इन गुजरात के बाहर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम वगैरह में और ATM क्लोनिंग करके क्राइम किया है और लोगों के खाते में से पैसा निकाला है। इसमें हमारे SOG के इंचार्ज PI JM बाड़ा और साइबर क्राइम के PSI कोरियातर हैं। ये और इनकी टीम जो है इस पर इन्होंने मेहनत की और इन चारों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनकी फर्दर रिमांड मांगने की कार्रवाई की जाएगी और बाकी जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने क्राइम किया है उसकी माहिती हम अलग अलग जगहों से मंगवा रहे हैं, और ऑफेंसेस जो बाकी हुए हैं उसमें उनको हमने बताया है कि उनको अरेस्ट करने के लिए और जो आरोपी भागा है पहले भाग गया था यहाँ से उसको पकड़ने के लिए कुछ भी देना चाह रहे हैं। सर, इसको करने की ज़रूरत क्या थी, कुछ उसके ऊपर जो है क्या करते थे, इसकी क्या ज़रूरत थी सर? मोटिव ये इसमें से क्या है कि पैसे की ज़रूरत बेसिकली ये सब लोग जो है 25 से 30 वर्ष की उम्र के हैं और एक BSc किया हुआ है और एक MSc कर रहा है, मतलब MSc भी कर रहा है और बाकी जो है 7वीं से 8वीं तक पढ़े हुए। बेसिकली एक चीज़ ही मानी आज के डेट में ये जानते हैं कि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ATM का पिन मांग के भी तो ATM क्लोन करके इस तरह से इजी मनी बनाया जा सकता है और पूरे कंट्री में कहीं पर भी इसको अंजाम दिया जा सकता है। तो वो लालच जो है पैसे कमाने का और इजी तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाने का एंड बस अपने शौक पूरे करने के लिए इस उद्देश्य से उन्होंने लिया। कहाँ से उठाए थे सर? चारों को एक साथ ही थे? तो चारों एक ही साथ थे। बेसिकली ये इनके पास महाराष्ट्र पास की जो गाड़ी हमने बरामद की है, ये लोग अभी यहाँ पे कुछ 2 महीने पहले भी आए थे, तब भी यहाँ पे घूम के गए थे। राजकोट गोंडल साइड में इस टाइम घूम के गए थे और अभी फिर से यहाँ जूनागढ़ में ये आए हुए थे और ये पैसे निकालने के इंटेंशन से आए थे। ऑलरेडी एक लोन ATM कार्ड से थी तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी ये और हमने जो इनका डेटा हमारे पास था टेक्निकली उसको चेक कर रहे थे तो इनका मूवमेंट हमको मिल रहा था कि ये सोमनाथ से मक्की और साइड पर हो सकते हैं। तो हमारा यही था कि जो बाहर की इनके पास गाड़ी बाहर की है वैसे इन्फॉर्मेशन थी तो हम चेक कर रहे थे कि ये लोग कहाँ हो सकते हैं। तो अंदाजत हम जो है उस रोड पर सब होटल्स वगैरह उस तरह सब चेक कर रहे थे। उस टाइम पे ये ट्रेस हुए अगरतरा के रस्ता के पास, वहाँ पे हम इनको रोका, चेक किया और ये लोग निकले और उसके बाद लेके आए पूछताछ की। पूछताछ करने वाले को बोला सर डुप्लीकेट कार्ड्स और क्लोन मशीन जो है वो कितने मिले? इक्विपमेंट कितना मिले? डुप्लीकेट कार्ड 20 मिलेंगे, स्कीमर 2 मिलेंगे, 2 स्कीमर में जिसमें वो स्कैन करते हैं और एक जो लैपटॉप मिला जिसको स्कीमर को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, वहाँ से डेटा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरे ATM कार्ड में उसको राइट कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर उनके पास से बरामद हुआ लैपटॉप में। नहीं, ये तो जो क्लोन्ड ATM कार्ड हैं वो किसी बैंक का नहीं होता, उसमें सिर्फ एक चिप लगी होती है और उसमें डेटा अपलोड हो जाता है सारा, वो ब्लैंक ही होता है, उसमें कोई बैंक का नहीं होता। सर रिमांड की कार्य नहीं करी? हाँ सर, जो फ्रॉड हुआ वो ज़्यादातर किस बैंक के ATM से हुआ? ये SBI का ही है जिसमें जो ये दोनों केसेस SBI की हैं। तो ये ATM में जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है उसका एजेंट चूज करते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है वो खुद ही मदद कर देते हैं लोगों के लिए आपको पैसा निकालने के लिए। जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता ऐसे ATMs को ही चूज करते हैं। SBI के मोस्टली वही सर नहीं होता
कार्ड नहीं। सर अब तक कितने पैसे उठाए होंगे सारे एटीएम अगर गुजरात के और बाहर से लेके? वो पैसे अभी हम कर रहे हैं जी। इन्होंने जो है अभी वो जो आदमी यहाँ से चला गया ऑलरेडी दो दिन पहले, ये लोग पकड़े उससे दो दिन पहले चला गया, उस 3 लाख रुपये लेके साथ में गया। बट अभी हम सब टोटल कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इन्होंने कबूलत की कि हमने इतने इतने जगह पे किया है और प्रोडेटर के पास नहीं है, लेकिन हम इतने पैसे इन्होंने टोटल उठाए हैं उसका हम अभी कर रहे हैं तो वो भी आपसे शेयर करेंगे जब हमारे पास प्रोग्रेस करेंगे। मनीष दाकी साथ रविंद्र कंसारा, NS गुजरात न्यूज़, जूनागढ़।